हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने IIT रुड़की और NIT वारंगल को उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों के बीच युवाओं को अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए चुना। युवा संगम द्वितीय के अंतर्गत पहले तेलंगाना से छात्रों का दल 29 अप्रैल को रुड़की पहुंचा था और 4 मई तक ये कार्यक्रम चला। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर KK पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की योजना युवा संगम के अंतर्गत एक राज्य से अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ अपने अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तेलंगाना दल के उत्तराखंड दौरे के बाद उत्तराखंड से 45 छात्र छात्राओं का दल तेलंगाना दौरे के लिए जाएगा। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 12 विभिन्न यूनिवर्सिटीज से 45 छात्र छात्राओं को सिलेक्ट किया गया था, जो सभी अलग अलग कॉलेज से हैं। उन्होंने बताया कि सभी छात्र अगले एक हफ्ते के लिए NIT वारंगल में रहेंगे और पूरे तेलंगाना के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी को भविष्य में देश को किस तरह से आगे ले जाना है, इस और अग्रसर किया जाएगा ताकि जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर रहे हैं वो सार्थक हो सके। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा संगम जो है हमारी सरकार ने एक नया स्कीम चलाई जिसमें छात्र जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से स्टेट वाइज दूसरे स्टेट में जाते हैं और उनसे वहाँ इंटरेक्ट करते हैं। एंड ये एक तरह से साइंटिफिक एजुकेशन और सोसाइटल, तो हर तरह के चीज़ों का संगम है। तो यहाँ जैसे अभी जो करीब 12 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज, उन सबको इसमें कई एप्लीकेशन आए थे, उनमें से टोटल 45 लोगों को सेलेक्ट किया, जिसमें 23 छात्र हैं बॉयज एंड 22 छात्राएं हैं गर्ल्स, और ये सब अलग अलग कॉलेज से हैं। तो इसका एक पर्पज़ तो यह है कि यहाँ उत्तराखंड में जो डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में भी एक इंट्रैक्शन ज़रूरी है, और IIT रुड़की एक वी आर हैप्पी कि IIT रुड़की इसमें लीड ले रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है ये एक्टिविटी को। अब ये छात्र जो हैं कल से एक हफ्ते के लिए वारंगल में जाएंगे और पूरे तेलंगाना के अलग अलग एरियाज में विजिट करेंगे, और जो पर्पज़ इसका है कि दे विल इंटरेक्ट विद द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देयर। NIT वारंगल से भी पहले आए थे, वो कोऑर्डिनेट किया था उन्होंने एक हफ्ता पहले, तो वहाँ से 45 छात्र आए थे जिसमें वहाँ भी 23 छात्र थे और 22 छात्राएँ थीं, और उन्होंने यहाँ पूरे एक हफ्ता जो है नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश कई जगह विजिट किया। कल्चरल एक्सचेंज जो होता है उन्होंने जाना कि जो देवभूमि उत्तराखंड के बारे में उन्होंने जाना, और बहुत से डिस्कशन हुए टेक्निकल और साइंटिफिक कि छात्रों को, युवा पीढ़ी को फ्यूचर में किस तरह से अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर रहे हैं, जो वन अर्थ वन फैमिली की हम बात करते हैं, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो इस विजिट का पर्पज ये है कि एक दूसरे की जाने, एक दूसरे के कल्चर को जाने, आपस में इंटरेक्ट करें, और जब ये हमारे देश के भविष्य हैं तो ये फिर एक तरह से टेक्नोलॉजी में मिलजुल के साथ काम करेंगे। जैसे अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो आइडिया जनरेट होते हैं कि उनके उत्तराखंड की अगर मैं, हमारे उत्तराखंड में अगर कुछ प्रॉब्लम है सोसाइटल इम्प्रूवमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, वही प्रॉब्लम उस तरह के वहाँ भी हैं। तो अगर ये इस तरह से एक दूसरे को जानेंगे तो शायद मिलजुल के ये लोग काम करेंगे, और फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी आएंगी तो सबके लिए फ़ायदा होंगे। तो इस पूरी जो युवा जो हम संगम कह रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि किस तरह से हम पूरे भारत को एक साथ जोड़ें और पूरे जो भारत की जो प्रॉब्लम है और या पूरे विश्व की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर बार बार कहा हुआ है कि वोकल फॉर लोकल एंड वोकल फॉर ग्लोबल, तो बीच में जो नेशनल है वोकल फॉर नेशनल, तो जो टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी पूरे देश के लिए होंगी, और सेल्फ रिलायंट इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें इन छात्रों को हम लोग इसमें बताते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।